मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश भर में मशहूर है। अब शाही लीची का स्वाद जल्द ही मुंबई के लोग भी ले सकेंगे। 21 मई की शाम जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर की शाही लीची मुंबई के लिए रवाना कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अब तैयार हो चुकी है। वह अब मुंबई वासियों को उसका स्वाद चखाने के लिए पवन एक्सप्रेस से चल पड़ी है। इस बार रेलवे किस प्रकार की सुविधा दिया? रेलवे के तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है। 23 टन वीपी लगाया गया है, जिसमें पवन एक्सप्रेस में जो स्पेशल लीची ही लेके मुंबई के लिए जाएगी, और उसके अलावा 4 टन का पार्सल वैन भी है जो लीची ही लोड करेगा पवन एक्सप्रेस में। अहमदाबाद के लिए भी 8 टन का स्पेस दिया गया है जो स्पेशल लीची लोड करेगी। ये सरकारी सिस्टम रेलवे का हो जाने से अब कितना फायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। सीधे डबल लगता था प्राइवेट लीज होने पे, अभी हाफ लग रहा है। तो रेलवे विभाग से अन्य राज्यों के लिए भी सुविधा मांग करते हैं क्या आप लोग? हाँ, अहमदाबाद के लिए एक वीपी हो जाए तो और अच्छा रहे। इसके अलावा दिल्ली भी बहुत सारी माल जाता है और भी अन्य राज्यों में जाता है। दिल्ली जाती है लेकिन ट्रांसपोर्ट से ही चली जाती है, उसके लिए ज़्यादा ये नहीं है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रत्येक साल ट्रेन के माध्यम से मुंबई समेत देश के अन्य भागों में शाही लीची भेजी जाती रही है। इस साल भी रेलवे द्वारा लीची भेजने के इच्छुक व्यापारियों एवं किसानों की सुविधा हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। लीची की ढुलाई के लिए पवन एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर से लोकमान तिलक टर्मिनस के लिए पार्सल यान लगाया गया है। महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में लीची भेजी जाएगी। अमृतसर, लखनऊ जैसे शहरों में भी लीची भेजने की तैयारी चल रही है। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में लीची में और मिठास आएगी। किसानों को इसके लिए बारिश का इंतजार है। देश के साथ साथ विदेशों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची की बड़ी डिमांड है। ये लीची इतनी स्वादिष्ट होती है कि लोग इसके दीवाने हैं। देखने में एकदम लाल और अंदर से रसीली लीची का स्वाद लोग एक बार लेने के बाद छोड़ते नहीं है। रेलवे विभाग द्वारा ये संचालन होने से उनको दो गुना मुनाफा हो रहा है। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, BD News।